सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं 14 जुलाई मतलब आज के टॉप 10 जीके और करंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन वन और टू कनेक्टेड हैं। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आने वाला था एक टेंपल के बारे में जो तिरुवनंतपुरम में मैंने परसों बताया था, वो आ चुका है। तो दोनों सवाल देखो पहले और फिर हम उस थ्योरी पे जाते हैं कि डिसीजन क्या है एक्चुअली। क्वेश्चन देख लीजिए, श्री चित्र तिरुनल बलराम वर्मा ये कहाँ के रूलर थे? एंड द आंसर इज त्रावणकोर। ठीक है, फोटो देख सकते हैं आप उनकी। और क्वेश्चन नंबर टू भी देख लीजिए, फिर मैं आपको पूरा जजमेंट समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर टू, एज पर द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हु इज द शेबायत? शेबायत मतलब मैनेजर, जो ओनर। ठीक है, हु इज द शेबायत या मैनेजर ऑफ पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम? केस किसके बीच में चल रहा था? एक तो अर्सवाइल जो त्रावणकोर की रॉयल फैमिली है और केरला गवर्नमेंट के बीच में किसके फेवर में रूलिंग आई है? फैमिली के फेवर में। सो अर्सवाइल त्रावणकोर रॉयल फैमिली अब ये शेबायत रहेंगे इस टेंपल के। अब कहानी सुन लीजिए जो पूरी बैकग्राउंड है इसकी। सो बलराम वर्मा जी रूलर थे, ही डाइड इन जुलाई 1991। उसके बाद से पूरे इशू चल रहे थे कि रूलर की डेथ के बाद क्या ये जो ओनरशिप टेंपल की है, क्या ये स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व हो जानी चाहिए, उनके पास चली जानी चाहिए, उसके ऊपर केस चल रहा था। एक चीज और, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था जिसमें बोला गया था जो प्राइवी पर्स वाली एक सिस्टम था फॉर द अर्सवाइल रूलर्स, वो बंद कर दिया गया था। तो क्या उसमें जो उनके अंडर टेंपल्स थे वो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास आ जाने चाहिए? ये भी इशू चल रहा था। तो रूलर की डेथ और ये 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अब इसके ऊपर पूरी कहानी चल रही थी। इवन 2011 में, पहला टेंपल भी दिखा दूं मैं आपको, पद्मनाभ स्वामी टेंपल, ये टेंपल की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। तो 2011 में केरला की हाई कोर्ट ने तो जजमेंट भी दे दिया था कि केरला गवर्नमेंट को ये मंदिर मतलब इसको ऑपरेट करना शुरू कर देना चाहिए, मतलब इट शुड टेक ओवर दिस टेंपल एंड इट शुड ओपन दिस टेंपल फॉर द पब्लिक यूज। तो केरला हाईकोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जो बात बोली है वो, तो बैकग्राउंड समझ गए आप। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए, रूलर चाहे ना रहे पर फिर भी जो शेबायत राइट्स हैं वो रॉयल फैमिली के पास थे और वो कंटिन्यूसली बने रहेंगे। ये उन्होंने जजमेंट दे दिया है, दिस इज द फाइनल जजमेंट। अब देखिएगा एक आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर बोला है कि एक कमीशन या पैनल बनेगा जिसको हेड कौन करेंगे? तिरुवनंतपुरम के डिस्ट्रिक्ट जज उसके चेयरमैन होंगे फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द टेम्पल अफेयर्स, ताकि ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग चलती रहे। तो शेबायत राइट्स फैमिली के पास रहेंगे, बट एडमिनिस्टर करने के लिए कमिटी है जिसके चेयरमैन कौन रहेंगे? जो तिरुवनंतपुरम के डिस्ट्रिक्ट जज है वो, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो इस तरह से पूरा जजमेंट और बैकग्राउंड आगे ना बात समझ में, इतनी जानकारी काफी रहनी चाहिए। टेंपल का फोटो ये रहा, आई हैव नेवर बीन देयर, आप में से कोई गया है इस टेंपल में तिरुवनंतपुरम में तो बताइएगा। लुक्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल टेंपल दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनी, बहुत बड़ी टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, इट हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट $10 बिलियन मतलब 75,000 करोड़ रुपीज, 75,000 करोड़ मतलब $10 बिलियन इन इंडिया इन द नेक्स्ट 5 to 7 years विद द फोकस ऑन डिजिटाइजेशन एंड बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट प्रोडक्ट्स, मतलब इंडिया सेंट्रिक प्रोडक्ट्स। एंड द आंसर इज गूगल ने ये डिसीजन लिया है और ये अनाउंस किया है उनके जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, फोटो देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो एक सवाल और देख लो, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम बताइए। गूगल की पेरेंट कंपनी, एंड द आंसर इज अल्फाबेट, और अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके सीईओ भी सुंदर पिचाई। ये तो सुंदर पिचाई गूगल के भी सीईओ हैं और अल्फाबेट के भी सीईओ जो गूगल की पेरेंट कंपनी। दोनों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। आप जानते हैं ना कि ईरान और चाइना के बीच में 25 साल की डील होने वाली, जिसकी हमने कल बात करी थी, उसके अगले ही दिन अब ये बात हुई है, ध्यान दीजिएगा। सवाल देखिए पहले ध्यान से, इंडिया एंड ईरान साइंड एन अग्रीमेंट 4 years ago, 4 साल पहले अग्रीमेंट साइन हुआ था, टू कंस्ट्रक्ट अ रेलवे लाइन फ्रॉम चाबहार पोर्ट टू जहेदान। अब देखिए, चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था और उस पोर्ट से जहेदान तक के लिए एक रेलवे लाइन बनाने के लिए भी अग्रीमेंट हुआ था इंडिया और ईरान के बीच में। ठीक है, जहेदान कहां पे है? ईरान में है। अब ये रेलवे लाइन आगे जाके जरांज तक एक्सटेंड होगी, इट विल बी एक्सटेंड टू जरांज। आपके बताना है कि जरांज कहां पे है, चाबहार और जहेदान तो ईरान में है, जरांज कहां है? द आंसर इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, समझ गए? अब देखिएगा, ये रहा इंडिया
और ये रहा, इधर आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, ये ऊपर अफगानिस्तान, ये ईरान और ये बीच में पाकिस्तान। अब अगर हमको इंडिया को अफगानिस्तान से, ऊपर छुपा हुआ है ना गूगल मैप से मैंने फोटो लेता, पर ये अफगानिस्तान है, अगर इंडिया को अफगानिस्तान से ट्रेड करना है तो बीच में पाकिस्तान आता है, और कई बार पाकिस्तान ट्रांजिट परमिशंस नहीं देता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कई बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए हम अफगानिस्तान से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए। इसलिए हमने एक रास्ता ढूंढा कि हम यहां से इधर जाएंगे, ये चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, और यहां से इसका नाम मैं अभी हटा रहा हूं, नाम पता ही आपको, चाबहार पोर्ट, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये पोर्ट डेवलप हुआ, इस पोर्ट से ये जगह, दिस इज जाहिदान, जाहिदान, ठीक है, मैं बड़ा करके लिख दूं क्लियर हो जाएगा, जाहिदान। और ये डिस्टेंस लगभग 628 किलोमीटर का था जहां पे रेलवे लाइन डलनी थी। अब ये रेलवे लाइन का कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आई है कि अब ईरान गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको हम अकेले ही बनाएंगे, मतलब इंडिया को मतलब थोड़ा अभी अलग कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यार प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में और फंडिंग में बहुत डिले हो रहा था, इसलिए ईरान सरकार ने बोला कि हम इसको अकेले ही बनाएंगे क्योंकि बहुत डिले और फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये नेगेटिव साइन है कि कल ईरान चाइना की अच्छी खबर आई और आज ईरान इंडिया की बुरी खबर आई। तो ग्लोबल लेवल पे अगर हमें डोमिनेंस बढ़ानी है तो ये लैक्स या डिले सही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अभी इस प्रोजेक्ट से हम लोग बाहर हैं, रेलवे लाइन वाले ने ऐसे ईरान ने बोला है। अब हमारी सरकार क्या करती है इस चीज को सही रखने के लिए, वो देखना पड़ेगा। तो ईरान ने बोला कि हम अकेले बनाएंगे क्योंकि इंडिया की तरफ से डिले हो रहा है, तो हम अकेले बनाएंगे। एक चीज और, जाहिदान तक बनने के बाद इस लाइन को जरांज तक ले जाएंगे, और जरांज यहां पे, दिस इज जरांज आ रही है, जो कि अफगानिस्तान में है, समझ गए आप। तो इस तरह से चाबहार से जाहेदान और वहां से जरांज, जरांज अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी कहानी कनेक्शन की बनी थी, बट खबर अच्छी नहीं है। अब उसमें हम कैसे चीजों को ठीक करते हैं वो देखना पड़ेगा। आर यू क्लियर? लोकेशन बता दी मैंने आपको, चाबहार पोर्ट की जो ईरान में है, जाहेदान जो ईरान में है, और फिर जरांग जो कि अफगानिस्तान में है, और चाबहार से जाहेदान के बीच में 628 किलोमीटर की रेलवे लाइन के यहां पर इशू उठा है जिसकी हम बात कर रहे थे। बाकी मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है। इट विल फर्दर प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान उसके बाद भाई सेंट्रल एशिया चालू हो जाता है, तो पाकिस्तान को बायपास करके डायरेक्टली सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए भी ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए काफी जरूरी था, ठीक है। चलिए एक और कनेक्टेड अपडेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों खबर कनेक्टेड है, दोनों अलग खबरें, इंडिपेंडेंट खबरें हैं, पर कनेक्शन बनता है कैसे वो देख लीजिए। पाकिस्तान हैज गिवन परमिशन टू विच कंट्री टू सेंड गुड्स टू इंडिया वाया वाघा बॉर्डर, पाकिस्तान ने परमिशन अफगानिस्तान को दी, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में एक ट्रांजिट अग्रीमेंट था, उसी को फॉलो करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को परमिशन दे दिए कि वो इंडिया में गुड भेज सकता है वाया वाघा बॉर्डर। तो ये अच्छी खबर है, पिछले भी थोड़ी नेगेटिव खबर थी रिलेटेड टू इंडिया ईरान एंड अफगानिस्तान, और ये इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान के एंगल से अच्छी खबर निकल के आती, पर दोनों कनेक्टेड हैं क्योंकि दोनों में इंडिया और अफगानिस्तान कॉमन है, ठीक है। तो दोनों खबरें पता होनी चाहिए तभी हमारा कनेक्शन पूरा होता है, दोनों को इंडिविजुअली पढ़ना सही नहीं होता। चलो क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपर्ट, ये कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी जो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, इट हैज रिकमेंडेड ग्रांटिंग ऑफ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसका नाम है सैटेलाइट टाउन रिंग रोड बिटवीन विच टू स्टेट्स। तो जो अप्रेजल कमिटी एक्सपर्ट्स की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, उन्होंने बोला है, रिकमेंड किया है कि इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल सकती है। अब ये प्रोजेक्ट एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, इसका नाम देखिए, नेम इज इंपॉर्टेंट, सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। ये प्रोजेक्ट किन दो स्टेट्स के बीच में? द आंसर इज कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड किन दो स्टेट्स के बीच में है? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जैसे थोड़ी आगे अप्रूवल मिलते हैं तो उसकी डिटेल में और जाएंगे कि किन किन जगह के बीच में बन रहा है, बट फिलहाल की जानकारी काफी। सैटेलाइट टाउन रिंग रोड, तमिलनाडु, कर्नाटका, बस ये तीन चीज ध्यान रखिए, दैट शुड बी इनफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन पोलैंड देश के बारे में, क्योंकि वहां पे इलेक्शंस हुए हैं, बहुत डिटेल वहां की पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं बिकॉज इंडिया को उतना कंसर्न ये चीज नहीं करती है, बट फैक्ट्स के नाम पे उस इंसान का नाम आ सकता है। हु हैज वन सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड इन द रिसेंटली कंडक्टेड इलेक्शन, एंड द आंसर इज एंड्रेज डूडा। फोटो देख लीजिए, ही इज अ सोशलिस्ट कंजर्वेशनिस्ट, मतलब इनकी अप्रोच सोशलिस्ट और कंजर्वेटिव अप्रोच ही आप मान सकते हैं। तो कंजर्वेटिव सोशलिस्ट अप्रोच है, सेकेंड टर्म जीत गए हैं पोलैंड।
क्वेश्चन नंबर 9 एक इकोनॉमिक्स की फील्ड है क्वेश्चन, फ्लीट एज ये एक तरह का प्रोडक्ट है, क्या है ये? कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ कमर्शियल व्हीकल फ्लीट्स। ये प्रोडक्ट मतलब उनके पूरे डेटा वगैरह लेके जो भी मूवमेंट डेटा है उससे और बेटर फैसिलिटी दे पाए फ्लीट्स को। तो आपको बस इतना बताना है कि जो प्रोडक्ट है ये किस कंपनी ने लॉन्च किया, एंड द आंसर इज टाटा मोटर्स। ठीक है, तो एक इंटीग्रेटेड तरीके का व्हीकल सॉल्यूशन है ये, ताकि जो व्हीकल फ्लीट्स जो भी हमारे गुड फ्लीट्स वगैरह जाते हैं उनका बेटर मैनेजमेंट हो पाए, कहाँ डिस्टेंस चल रहे हैं, किस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, क्या एवरेज आ रहा है, लोड कैपेसिटी, मतलब बेसिक हर तरह के डेटा को एनालाइज करते हुए उनको बेटर फैसिलिटी दी जा सके, ये पूरा पर्पज रहता है। टाटा मोटर्स नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाबीफ्लू, इट इज एन ओरल एंटीवायरल ड्रग, इसको प्रिस्क्राइब करा गया है कोविड 19 पेशेंट्स के लिए, आपको बताना है कंपनी का नाम, एंड द आंसर इज ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अब देखिए, अराउंड 1000 कोविड पेशेंट्स को ये दवा रिकमेंड करी गई है, प्रिस्क्राइब करी गई है, इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं ले सकते, गलत होगा, साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए, जरूरी बात है। अब ग्लेनमार्क ने बोला है कि इन 1000 पेशेंट का पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस करा जाएगा ताकि सेफ्टी और एफिकेसी ऑफ ड्रग के बारे में और जानकारी आ सके। तो पहली खबर तो ये है। दूसरी खबर, इस ड्रग की प्राइस भी कम करी गई है, पहले एक टैबलेट 103 रुपए की आती थी, अब 75 रुपीस की आएगी, मतलब अराउंड 27% का डिक्रीज करा गया है प्राइस। दो खबरें हैं, फाबीफ्लू और ग्लेनमार्क का नाम भी पता होना चाहिए, सवाल बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, होपफुली पसंद आएंगे, तो वीडियो लाइक भी कर देना और कमेंट भी करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।